यहाँ पे आई है हमारी दीदी आज किस टाइम जा रही है आगे आगे कैसे तू नहीं जाओगी आज नहीं जाओगी नहीं जाओगी निकल का ध्यान नहीं रहता धीरे धीरे कैसे को सौ मुसलमान पैसे फोन पैसे गायब हो सर कहाँ है पैसे आपके बताओ जा रही हूँ ठीक है तो सामान पैक हो गया सारा सारा चलते हैं यहाँ पे बैठे हैं हम गाड़ी में मैं और कीसू तो पंप छोड़ दिया है तो पंप लेने गए हैं हस्बैंड तो स्कूल पे वहाँ पे आ जाएंगे तो कीसू यहाँ पे बैठी हुई तो देख सकते हो फ्रेंड तो अभी हम लोग अपनी क्या बोलते से जो जाते हुए सफ़र पर वो करते हैं ना खाना पीना थोड़ा स्नैक्स वगैरह वो मंगवा रखे हैं फ्रेंड तो आते हैं तो आपको दिखाती हूँ जितने काले और नई खेत इनमें हमारे यहाँ आग लगी थी कल तो देख सकते हो कितनी खतरनाक आग थी कि सारे के सारे खेतों का थोड़ा जल गया है देखो इनकी किस्मत अच्छी थी नहीं तो सारा की सारा देख सकते हो कितना काला पड़ा था देख सकते हो कितने खेत जले बताओ कितना का नुकसान हो रखा देखो देखो इस बीच में नहीं है ना और यहाँ देखो इस खेत में किनारे किनारे तो इनकी भी किस्मत खराब थी कि इनका भी नुकसान हो गया इनकी गाय भैंस होंगी जिनकी उनको तो बहुत नुकसान हो रखा भाई पूछो मत हमारा तो चलो ये है कि हमारी गाय भी कोई कुछ नहीं है तो तूड़ा लेने की जरूरत नहीं है हमें और जिनका है तो उनके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही कितनी खतरनाक आग है भाई देख लो पहले नहीं मैं तो सोची थी इतनी ज़्यादा नहीं होगी खैर और देखो कितनी आग ले देखना कितनी भयंकर वही तो देख लो कितनी और कितने दूर तक का कितने किलोमीटर तक आग लगी हुई अच्छा इसके अंदर कैसे दिखाऊं आप लोगों को उनके अंदर भी लगी हुई थी जो ये बना रखा है इन्होंने तो यहाँ देखो किनारे किनारे तक भी आ रखी है आग कितनी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है भाई यहाँ मलिकपुर गाँव में हुआ हादसा तो इतना बड़ा हादसा देखो क्यों आग आ रखी है देखो यहाँ से इतनी सारी अच्छा जी और यहाँ से वहाँ तक पहुँच गई तो देख लो भाई कितने किलोमीटर होगा हमारे वहाँ तक का खेत का तो देख लो कितना नुकसान हो गया यहाँ शुरू का है ना और आगे और देखो ना कहीं कहीं बीच में तो है भी नहीं अच्छा हाँ यहाँ से स्टार्ट हुई थी आप तो देख सकते हो पति ने पहले बोल दिया था कि तुम्हें दूसरा पति दिलाऊंगा
यहाँ पे भरवा रहे हैं हम सीएनजी। तो देखो हाँ सीएनजी भरवा रहा है। ये है लोकेशन आने लग रही है बस। यहाँ पे कोई जानवर मर रखा है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना। केशु देखो हमारी खेल रही है, देख कितने कितने सारे पत्थर है ना। इस बाबा को देखो कितनी ठंड लग रही है। यहाँ पे ये लोग भी बैठे हुए हैं। अभी तक नंबर नहीं आया है तो यहाँ पे प्लान भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। और ठंड इतनी हो रखी है ना पूछो मत। तो घर में तो इतनी गर्मी होती है तो यहाँ बिल्कुल ठंडा है मौसम। तो यहाँ पे तो ये लग रहा है कि स्वेटर वगैरह पहन लेते तो बढ़िया रहता। यहाँ पे देखो कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पे देख ये है वो मेरी बेटी को भी देख ठंडी लग रही। और तो ये देख पत्थर इकट्ठे करने में लगी हुई केस यहाँ पे। और ये सी एन जी लगा रही है, ये हमारी गाड़ी है। चोरी कर रही है केसु पत्थरों की। नहीं बेटा गंदा क्या कर रहा पत्थरों का। बच्चों को कुछ भी दिख जाए, बच्चों को कुछ भी दिख जाए तो उठाने लग जाते हैं। ये नहीं सोच रहे क्या चीज कर रहे हैं हम क्या नहीं कर रहे। उस साइड आएंगे पापा, चलो बेटा उस साइड चलो वहां पे चलेंगे चलो। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें नंगे पैर जा रहा है। ये देखो क्या उसमें गलत जगह तो नहीं आ गई कहीं मैं गिर गिर जाऊँ यहाँ से। क्या बेटा ये घास है क्या करेगा। ये तो पागल है कि इसके साथ साथ उल्ट काम करे। बस 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 पापा आएगा देख, फिर पापा आएगा यहाँ से पापा आएगा। सोच लियो कहाँ से थोड़ा बैठ जाते हैं इंटरव्यू छोड़ बैठ। यहाँ पे लुढ़क गई है तो देख सकते कैसे लुढ़क गई। तो हस्बैंड ने खोल दिए फ्रंट गाड़ी। तो हमारी जो वो होता है ना ये जिस आगे का वो बोलते हैं इसमें पानी नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो इन्होंने ये बैटरी नहीं डलवाई। तो देख सकते हो फ्रेंड आप लोग, तो ये देख रहे हैं कि पानी आ रहा नहीं आ रहा। अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा एक एक घूम करके। तो देख सकते हो हस्बैंड लगे काम पे। प्रियांश को गोदी ले ले भाई इसे, हो गया चलो। तो ट्रैवलिंग करनी चाहिए तो रात को करनी चाहिए, ट्रैफिक वगैरह नहीं होता है, या तो सुबह करनी चाहिए मॉर्निंग में सुबह ही सुबह, तो बहुत ज़्यादा सही रहता है और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। बैठ जाते हैं गाड़ी में हमारी है रेस्टोरेंट रॉयल किंग में। इशू दिखाओ रात को क्यों जाना पड़ा हमें घर से बाहर, तो बताऊंगी फ्रेंड आप लोगों को आगे वीडियो में। यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया है फ्रेंड। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग। यहाँ पे आ गई है चाय, देख लो इनको भूख लगी है। बोली चाय पी लो चाय पी लो, अगर अभी नहीं आती ना तो पापा करते। देख लो यहाँ पे बिस्कुट है बहुत सारे, ये ये मेरी बेटी उठ गई है तो रात को भाई ये भी 3:30 बजे सोई थी रात को, सोने नहीं दिए तो इतनी ठंड लग रही थी ना पूछो मत। ठंड बहुत में तो पैरों पैर में सारा दर्द हो रहा, मुँह छुपा रहा है दोनों दोनों। चाहिए बिस्कुट है नमकीन के, वैसे ये मेरी बेटी है। हम लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ा ससुराल छोड़ के आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।